सो हमें कस्टमाइज डाइट चार्ट क्यों चाहिए? सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको अपने माइक्रोज एंड मैक्रोज चेक करने हैं, कितना प्रोटीन कार्ब्स फैट होना चाहिए, कितने आपको विटामिन क्या खाना है, कितना खाना है, किस टाइम पर खाना है, अगर आप फैट बर्नर यूज कर रहे हो किस टाइम पर क्या करना है, क्या वो सब आपके बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया जे कटलर का डाइट चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, पहली बात आप उसका 50% भी फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो वो चीज़ें खाते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें वो लिखते नहीं हैं, मतलब वो उन्होंने वो नहीं लिखा होता कि वो जो लेते हैं, जो वो स्टीरोइड्स लेते हैं या वो उन्होंने अपना डाइट प्लान डाल दिया, आप कितने परसेंट उसको फॉलो कर पाओगे? 50% भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने पहले बोला, वो बीफ खाते हैं, हमारे इंडिया में अवेलेबल है बीफ, अवेलेबल है बट अलाउड है, खा सकते हैं हम बीफ, हमें खुद ही नहीं खाना पसंद बीफ, राइट? और काफ़ी चीज़ें हैं जो खाते हैं जो हमारे इंडिया में नॉर्मल इंसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ब्लूबेरीज हो गया, कभी ये हो गया, कभी फलाना, कभी ये फिश, कभी वो फिश। सो मैं हमेशा से ये कहता, और ऊपर से आप जे कटलर का प्लान फॉलो कर रहे हो और ऊपर से आप वेजिटेरियन हो, तो मुझे बताओ आप कैसे फॉलो करोगे? जे कटलर का वर्कआउट शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो बट डाइट आप अपने उसके हिसाब से ले रहे हो कि आप इतना बड़ा वर्कआउट के बाद आप डाइट प्लान कुछ भी नहीं ले रहे हो। सो वो आपका सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, कि आपकी बॉडी के ऊपर कितना वर्कआउट करवाना है आपसे, कितना कार्डियो, कितना वेट ट्रेनिंग और कितनी डाइट होनी चाहिए, क्या प्रपोर्शन होना चाहिए डाइट का फैट प्रोटीन एंड कार्ब्स का। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई या कुछ आपको सीखने को मिला या नॉलेज मिली हमसे, सो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।